हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी, सबक या हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी, सबक है जहां में आप सबका मैं बोल हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी, सबक है जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक होगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग एकदम ठीक है। तो शालू भाई, शालू अप्पी और भाभी जिम जा चुके हैं और उनके जिम जाते ही हमारे पास हमारा नया टीवी आ गया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पुराना वाला टीवी था वो खराब हो गया था, तो इसलिए शालू भाई भाभी ने हमारा ये नया टीवी मंगा दिया था और अभी कुछ देर बाद मैकेनिक भाई आएंगे और इसे लगा देंगे और इसे हटा देंगे। चप्पल देख के हम लोग इतना ज्यादा खुश हो रहे, जब ये अंदर से निकलेगा पता नहीं तो हम लोग कितना खुश होंगे। तो शालू अप्पी जिम गई है, अपना शूट वाला फोन घर पे छोड़ कर गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये सब कुछ हम लोग शूट कर लेते हैं। रिजा के हाथ में फोन हो और वो कडल को ना शूट करे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जिम से आ गई और मैंने कितनी अच्छी व्लॉगिंग की यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही अच्छा लगा। अभी रिजा मेरे लिए प्रोटीन शेक बना रही है, तो अभी मैं इसे पी लेती हूँ, उसके बाद हम आप सबसे मिलते हैं। ये लोग क्या फोन में कर रहे थे? कम कम दस टाइम गल कर और अम्मी और बेटी खाला तो ऊपर ही चले गए कि तुम लोग शर्माओ मत, आराम से बना लो। मतलब आज इनकी अग्नि परीक्षा थी जो कि इसमें ये सफल हो गए। अम्मी इन लोगों ने कितना अच्छा बोला, बहुत अच्छा। शर्मा रहे थे, हम वो बकस रहे थे मरूमों को, और बेटी खाला थी, बेटी खाला अंदर आ गई, फिर हम ऊपर चले गए पापा के पास, खोजने के चलो तुम बनाओ अच्छे से, हम ऊपर आ रहे। बहुत अच्छा बोला, ऐसे करो। अब तो आप खुश हो? अम्मी इनको डांटती रहती है, अच्छे से बोलो, तेज बनो। फ्रेंड्स, अभी रात हो गई थी और देखिए हमने ये वाली लाइट फिर से यहाँ पे लगा ली है, रात में मुझे अच्छी लगती है। फिर अभी नेक्स्ट डे हो गया था तो यहाँ पे फर्नीचर वाले भैया आए थे, तो भाभी उनको समझा रही है कि किस तरह का फर्नीचर बनना है। अब काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टीवी लगाने वाले भैया आ गए हैं और वो मुझे समझा रहे हैं, और हमें पहली बार टीवी में इस तरह से यूट्यूब देख के बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग सबको देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे, आज हो गया नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे करना है फोटोशूट और आज बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा आज हम जल्दी से ये वाले प्यारे से आउटफिट में फोटो क्लिक कर लेंगे। अभी सिल के आया, जस्ट एक दिन में टेलर भैया ने अर्जेंट सिल के दिया है। दूसरा ये स्टेज आया था, एक ये भी है, टाइम रहेगा तो इसमें भी करेंगे। और ये वाले आउटफिट्स फ्रेंड्स मैंने इंस्टाग्राम पे गिव अवे के लिए निकाले। अपने बैकग्राउंड में देखा मैंने क्या रखा है, मैंने बैकग्राउंड में रिजा को बनाया हुआ, इतना प्यारा सा ये लैंप रखा है। और देखो कल रिजा ने एक बहुत ही प्यारी सी चीज बनाई है, वो है ये पेन होल्डर, कितना क्यूट है ना। रिजा क्राफ्ट में बहुत अच्छी, वैसे हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब चीजें वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनाती है। और भी चीजें उसे बनानी है, हम आपको दिखाएंगे आगे। अभी हम जल्दी से मेकअप कर लेते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आप सबको मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अब तो आपको पता चल गया होगा, अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है जिससे हमारा मेकअप भी अच्छा रहेगा, और साथ साथ मेकअप अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी, ज्यादा सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। इसीलिए मैं अभी सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करूंगी डर्मा वाइव हाइड्रा क्लेंजर से। इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, मोस्टली हमेशा मेकअप से पहले मैं इसे लगाती हूँ, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन भी कर देता है, साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे स्किन के जो पीएच बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। तो बहुत से फेस वॉश हमारे स्किन को क्लीन कर देते हैं बट ड्राई कर देते हैं, तो ये हमारे स्किन को जेंटली क्लीन करेगा, साथ साथ हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाए रखेगा। ये क्लेंजर बना है कोलोइडल ओटमील से, और कोलोइडल ओटमील को बहुत अच्छा स्किन प्रोटेक्टेंट भी कहा जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसमें स्किन के लिए, स्किन सॉफ्टनर भी कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाएगी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहेगी। तो अगर आप मेकअप के पहले से यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सोप फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, सारे एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो मैं आ गई अपना फेस वॉश करके, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है इससे वॉश करके, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, आपका लाइट मेकअप भी रिमूव कर देगा, आपकी स्किन से डर्ट रिमूव कर देगा, स्किन अच्छे से क्लीन कर देगा। स्किन क्लीन करने के बाद क्या करना है, स्किन को मॉइस्चराइज करना है, तो ये वाला प्रोडक्ट मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन है जिसमें है विटामिन ई।
विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एनवायरमेंटल डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, साथ साथ हमारे जो फेस पे रिंकल्स आ रहे होते हैं या फिर एजिंग के साइंस आ रहे होते हैं उसे भी कम करता है। तो ये प्रोडक्ट में फ्रेंड्स जो विटामिन ई है वो दूसरे विटामिन ई प्रोडक्ट से काफी ज्यादा बेटर है, इसलिए इसके रिजल्ट भी बेटर है। मैं आपको हमेशा इसके बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स मेकअप से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हमारी स्किन जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी उतना ही हमारा मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से सेट होगा। आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें ये जो न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन है ये बहुत अच्छे से काम करता है, बिल्कुल भी स्किन को ऑयली ऑयली नहीं करता है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है और सारे एज ग्रुप को भी सूट करता है। ये दो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो अभी मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर दिया है, मुझे इस तरह से फिंगर से स्प्रेड करना अच्छा लगता है। अभी मैंने मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन लगाया था, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, रिजल्ट अच्छा है, बट इससे अच्छा भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, मुझे फाउंडेशन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने मेबेलिन का ही कंसीलर भी लगाया है, ये भी मुझे अच्छा लगता है और अभी मैं यहाँ पे अपने स्पॉन्ज से उसको सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ईबा का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है क्योंकि फिर फेस थोड़ा चिपचिप लगता है तो इससे अच्छे से सेट हो जाता है, मुझे इस तरह से ही मेकअप आता है। और मैंने फेसेस ऑफ कैनेडा की उस दिन आईब्रो पेंसिल ली थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, ये शुगर का हाइलाइटर है जो मैं आईज़ पे आई शेडो से पहले लगाती हूँ तो आईज़ काफ़ी अच्छी दिखती है। ये हुदा ब्यूटी का कॉपी वाला आई शेडो पैलेट है लेकिन इसके जो शेड्स हैं मुझे बहुत अच्छे हैं, इसका मैं ओरिजिनल लूँगी क्योंकि जो ब्राउन के शेड्स इसमें हैं वो बहुत अच्छे हैं, एवरीडे मेकअप के लिए परफेक्ट है। देखिए आंखें ना ब्राउन के शेड से काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं, थोड़ी डेप्थ आ जाती है। और उसी में एक शिमर वाला शेड था वो मैंने आंखों के ऐसे साइड में लगा लिया है तो मुझे लग रहा है कि आंखें काफ़ी ठीक लग रही है ना। और उसके बाद मैंने डार्क वाले आई शेडो ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके आंखों में लगाया और देखिए फेस पे गिर गया। ऐसा मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है लेकिन मैंने उसको ठीक कर लिया है। उसके बाद मेबेलिन का ही मस्कारा लगा रही हूँ मैं अपनी आँखों में, ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब मेबेलिन के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, काफ़ी सस्ते हैं और रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन मैं अच्छा वाला फाउंडेशन ट्राई करना चाहती हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमेशा मेरे हाथों में कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है। अभी मैं ब्राउन आई शेडो से अपने फेस पे थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और इससे काफ़ी फर्क पड़ता है, एक साइड देखिए दूसरे साइड देखिए तो गाल थोड़ा सा पतला लगने लगता है ना, तो मैंने सोचा चलो हम इसे कर लेते हैं, आज जब मेकअप कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं, तो वो भी कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे जॉ लाइन में भी मैंने इस तरह से कर लिया है। उसके बाद मैंने ब्लश ऑन लगा लिया है, ब्लश ऑन तो मेरा फेवरेट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने आपको दिखाया था मैंने फेसेस ऑफ कैनेडा की लिपस्टिक ली थी, काफ़ी सस्ती है, मतलब 700-800 की रेंज में है और एकदम मैट है और लगाने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो लगा लिया है। और उसके ऊपर मैंने हुदा ब्यूटी का एक ग्लॉस वाला मेरे पास लिपस्टिक रखा था वो लगा लिया है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूं। देखिए फ्रेंड्स ये दुपट्टा है सूट का, मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा जाएगा, हां ये वाला की मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर। करने जाने के लिए निकल गए, भाभी जिम जा रही थी तो उन्होंने कहा कि वो हमें ड्रॉप कर देंगी तो हमारे लिए काफी इजी हो गया। वैसे हो जाएगा ना जीपे? जीपे तो हो जाएगा, बट सेफ साइड रख लो। ठीक है ना, वो आएंगे ना तो टाइम जाएगा, वो आराम से कॉफी वॉफी पियेंगे 10-15 मिनट। हाँ लेकिन कॉफी आएगी तब इतना, लेकिन आपके जिम से पहले हमारा हो जाएगा। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? भाभी जा रही है यहाँ पे जिम, करो कॉफी, मैं जा रही हूँ जिम। हम लोग यहाँ पे बाहर आते थे फोटो क्लिक करने, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, अभी हम लोग चलते फोटो पहले खींचो, कॉफी ऑर्डर करेंगे ना, अच्छा नहीं लगता। हमारा कुछ खाने का मन नहीं था, हम सिर्फ फोटो क्लिक करने आए थे, बट ऑर्डर करना पड़ेगा। और मुझे कॉफी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए अलग से और ब्राउनी भी चाहिए। कॉफी कौन सी क्या पसंद? फ्रेंड्स यहाँ पे हम आए तो फोटो क्लिक करने थे और हम लोग ने हड़बड़ी में यहाँ पे सब कॉफी वॉफी ऑर्डर कर दी क्योंकि आपको बिना ऐसे तो घुसने नहीं देंगे,
और अब मैं सोच रही हूँ कि लिपस्टिक खराब हो जाएगी, पहले फोटो ले लेती थी। स्ट्रॉ मंगा लेते हैं ना, स्ट्रॉ से अच्छा होगा। रिजा का आइडिया सुनिए आप, स्ट्रॉ मंगा सकते, स्ट्रॉ से लिपस्टिक भी नहीं खराब होगी और पी भी सकते हैं। कॉफी या शरबत में, मतलब रिजा के हिसाब से पहले मैं इस कॉफी को ठंडा करूँ, शरबत बनाऊँ, फिर स्ट्रॉ मंगाऊँ, फिर पीऊँ। कॉफी गर्म पियेंगे रिजा। फोटो क्लिक कर लो पहले। नहीं कर सकते। आइसक्रीम चाहिए, ब्राउनी चाहिए? आइसक्रीम। आइसक्रीम। और यहाँ पे हम एकदम संभल संभल के कॉफी पी रहे हैं कि हमारी लिपस्टिक ना बिगड़े, फिर हमने बीच में फोटो भी क्लिक कर ली बड़े स्टाइल में आके। तो फ्रेंड्स, हम जिस काम के लिए आए थे वो हमारा काम यहाँ पे हो गया है। खाना तो एक बहाना था, हमें तो फोटो खिंचाना था। अच्छा, जब 800 के होंगे तब यहाँ पे आएंगे सब लोग इंस्टाग्राम। ठीक है, अभी खाऊं कैसे ना, लेकिन नहीं गरम। चल मत जाना रिजा। 1 2 खाओ। कपड़ा, हाउ इज द टेस्ट? नाइस। नई नई चीजें एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए ना फ्रेंड्स, कभी कहीं कोई ऑफर कर दे तो बेइज्जती ना। मैं बस एक ही चम्मच खा रही हूँ, मैं कहती हूँ ना ज्यादा मीठा नहीं खाना है, तो बस एक ही चम्मच खाना है, बच्चे थोड़ा खा सकते हैं। भैया एक सेकंड, एक फोटो खींच लो। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता रहे थे कि हम हमेशा यहाँ के बाहर आते थे, और बाहर क्या होता था, ये जो क्लब है इसके बाहर बहुत सारी भीड़ लगती थी क्योंकि बहुत ही अच्छा बना है। तो जो टिकटॉक का ट्रेंड चला था तो सारे, इतने सारे लोग बिल्कुल भीड़ लगा लेते थे, है ना भैया? तो उस चक्कर में अगर हम लोग कभी बेचारे फोटो क्लिक करने आ जाए तो वो लोग कहते थे प्लीज आप यहाँ पे फोटो मत क्लिक करो। तो हमारा सपना था कि कभी हम यहाँ पे अंदर आ पाएंगे, और आज फाइनली हम अंदर बैठ के वहाँ पे अच्छे से अपनी फोटो वोटो क्लिक करा के आए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। रिजा बहुत ज्यादा खुश है। कैसा लगा रिजा? बहुत ज्यादा ही अच्छा अंदर से देख के। अंदर से ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो हम लोग बस यहाँ पे आते थे, अगर आपने कभी इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो आज अंदर जाके मजा आ गया। अभी हमें एक यहाँ पे जगह मिल गई है, देखो थोड़ा बहुत कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, कॉफी पीने का और रिजा का इतना सब कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन फोटोज आ गई है अच्छी। ये भी एक काम है, करना पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर दूसरा हिजाब चेंज किया, दूसरा आउटफिट चेंज किया, अब हम जल्दी से चलते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना रिजा? बहुत अच्छा। ये मस्टर्ड मेरा बहुत फेवरेट है। गाड़ी निकल जा रही है। फ्रेंड्स, हमने 5 मिनट्स के अंदर इस वाले आउटफिट में फोटो क्लिक कर ली, और इस आउटफिट में पता है क्या मेन स्ट्रगल था कि आउटफिट भी दिखाना था, साथ में ये दिखा जूती भी दिखानी थी। तो हमने सोचा तो हमने सोचा अगर हम खड़े होकर दूर से फोटो क्लिक करेंगे तो हमारी जूती इतनी अच्छे से नहीं दिखेगी, हमें कहीं बैठ के फोटो लेना है। तो कार में बैठ के तो बहुत ही अच्छी फोटो आई, आप इंस्टाग्राम पे जरूर चेक कीजिएगा। अभी जल्दी से घर चलते हैं। इस बार भी मैंने जल्दी कपड़े चेंज किए ना। हाँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और इस बार सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक चेंज कर दी क्योंकि ब्राउन ब्राउन बहुत हो रही थी। फोटो क्लिक कर रहे थे, वहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, और बच्चे देखो व्लॉग देखते हैं, फिर सामने देख के बहुत ज्यादा शर्माते हैं, ऐसा बहुत होता है। फिर फाइनली उसने फोटो क्लिक करवा ली, मिल के अच्छा लगा। और ये रहा मेरा ये वाला आउटफिट। फोटो क्लिक हो गई है, लेकिन भाई भाभी का जिम का टाइम पूरा हो गया है, तो भैया भी उन्हें छोड़ के फिर हमको लेके चले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। हम घर आए, अम्मी से कोई मिलने आया था, वो हमारे लिए कुछ खाने को लाए थे, तो हमने सोचा हम भी उन्हें कुछ गिफ्ट देते। देखो ये दिल्ली के पापे आए, पापे बोलती है ना वो उसे, तो अम्मी को पहले वो यहाँ रहती थी, हमें भी बहुत, हमारी भाभी जैसी है, अम्मी को क्या कहती है, माँ है, तो वो दिल्ली से उनके कोई आए थे तो मुझे ये पसंद है, तो उन्होंने दिल्ली से ये मंगाए, चाय बना के खाएंगे। चलो फ्रेंड्स, अच्छा हुआ आज मैंने 3 आउटफिट में फोटो क्लिक कर ली, अंधेरा नहीं होता तो मैं और क्लिक कर लेती, लेकिन अब बाहर का सूरज जो है वो आराम के लिए जा चुका है, और वो हमें कह रहा है कि तुम भी आराम कर लो। फिर भी देखते हैं, अगर इंदौर के कुछ है अगर फोटो क्लिक करने की तो वो कर लेते हैं। अभी मेथी बनेगी आज? मेथी, मटर, आलू नहीं डालेंगे? आलू नहीं डालेंगे? आलू नहीं डालेगा? छोटा सा डाल देना। एक काम करो, इतने बड़े 2 डाल दो, इतने बड़े 2 डाल दो, फिर उसको खाना है वो निकाल लेगा। छोटे करोगे तो पापा को, अगर फ्रेंड्स आलू इतना सभी दिख गया तो वो सब्जी नहीं खाएंगे। 2 टुकड़े कर दिए। हाँ, अम्मा को तो आलू पसंद। अम्मा सो क्यों रही हो? बढ़िया हूँ बेटा। तबीयत ठीक है? रात भर जागी, रात भर, कल हम लोग भी रात भर जागे, हमारे साथ अम्मा भी रात भर जागी। पता है कल क्या हुआ था कि रिजा को प्रोजेक्ट बनाना था, हम आपको पेंटिंग दिखाते हैं जो हमने बनाई है, तो अब रिहान आके बोलता है चलो फिर रात में कुछ खाना है, तो हम लोगों ने रात में 2-3 बजे कुछ कुछ ऑर्डर करके खाया है, तो भाई अम्मा को भी जगा के खिला लिया था चुपके से, हम सारे बच्चे, अम्मा भी तो बच्ची है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट आउटफिट।
आज के लिए सारे आउटफिट में फोटो क्लिक हो गई है, मेरे 3-4 दिन का काम भी कंप्लीट हो गया है। और आपको ये आउटफिट कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। उसके बाद आपने भाई के व्लॉग में देखा होगा, भाई अम्मा के लिए सरप्राइज लाए थे। क्या हुआ? कितने एक बार फिर दोबारा क्यों भेड़ा? बोलते डॉग काट लेता है भैया। तो ये लोग बड़े खुश हैं, इनको तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल गए हैं। बहुत ही प्यारे भाई ने इनको सरप्राइज दिया है नोज का। वैसे स्पेशली अम्मा के लिए आज गिफ्ट आया था। अम्मा जो है आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अम्मा कुछ दिन यही पहनना, ठीक है? पहने रही हूँ यही। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मैं। बस चली जाऊंगी। हाँ क्यों, मोदा पहन के जाएंगी? कुछ मैंने और आप भाई के व्लॉग में अब तो देख ही चुके होंगे या देख लेंगे, जो भी है कि हमें भगवान कलेक्शन की तरफ से भी गिफ्ट मिला है। बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच। मैं अपना वाला आउटफिट आपको दिखाती हूँ पूरा खोल के। एकदम आपको सही मिली है, जो मुझे उठी उठी नहीं पसंद है, एकदम आपकी नाक में चिपक गई है। बहुत प्यारी लग रही पसंद है। और बेटी वाला की नाक के हिसाब से छोटी सी नाक है तो छोटी सी वो मिल गई है। अम्मा की ये भी बहुत प्यारी है। टू सबा जी फ्रॉम भगवान कलेक्शन। कितना प्यारा कलर है, ऊपर का है और नीचे का है एक सा। आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं, स्कर्ट कुर्ता, प्लाजो कुर्ता या फिर पतियाला, जो भी मैं बनाऊंगी आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी। और शेडेड दुपट्टा, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आपको पता है कल रात हम लोग 4 बजे तक जागे क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये रिजा की बहुत अच्छी बात है कि वो वक्त से पहले कंप्लीट करती है। वो तो बेचारी अपना कर ही रही थी, उसने स्टार्ट भी करा था करना, लेकिन मेरे अंदर कुछ पेंटिंग का कीड़ा जाग गया। मैंने कहा रिजा प्लीज मुझे करना है, और मैंने करा। आप बताओ वो कैसा लग रहा है, रिजा दिखाओ। फ्रेंड्स इनको सनसेट का कुछ पेंटिंग बनाना था और ये मैंने बनाया है। आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा। रिजा तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे एकदम रियल से भी अच्छा लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है। देखो पहले मैं बहुत ज्यादा पेंटिंग्स और ड्रॉइंग्स करती थी, फिर उसके बाद एकदम से छूट गया, फिर टाइम नहीं मिला। कल रिजा करी थी, उसको देख के मेरा बहुत मन किया तो मैंने बनाया। लग रहा है या नहीं सनसेट जैसा, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो मतलब बहुत खुशी हो रही है देख के, और रिजा को भी अच्छा लगा है। लेकिन पता नहीं उसकी टीचर देख के, टीचर अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा रिजा ने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मैंने बनाया। पता है फ्रेंड्स मेरी बहुत मर्जी है कि मैं ऐसे मतलब ऐसे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं ऐसे फ्रेम करके रखूं, लेकिन स्कूल में देगी और वो लोग ऐसे इसको रख के पता नहीं हटा देंगे। तो प्लीज ऐसा टीचर से कहना कि आप देख के हमें वापस दे दो, तो हम इसे फ्रेम कराएंगे, ठीक है? और अब से आगे से हम और पेंटिंग बनाएंगे। हम लोग स्पेशल सी कुछ चीज लाने वाले, जो मैं सोच रही हूँ रिजर्व गिफ्ट करूंगी, जो मुझे लेने जाएंगे तो आप जरूर देखें। दिन भर इतना फोटो शूट में मुझे लंच करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, तो अभी डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी मैं डिनर कर रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। डिनर के 10 मिनट बाद हम लोग चले गए थे वॉक के लिए। वॉक हो गई है और माशाल्लाह अब ये दोनों भी थोड़ा तेज से अच्छे से वॉक करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो पहले बहुत टुकुर टुकुर चलते थे, लेकिन अभी अच्छे से करते हैं। चढ़ने में पड़ते अल्लाह अकबर। आज हम जिम नहीं जा पाए थे, आपने देखा था, फोटो शूट था, वो भी एक कमिटमेंट था, बहुत सारे कपड़ों में फोटो क्लिक करना था, क्लिक कर लिया, थक गए थे, लेकिन फिर भी वॉक की है। तो वॉक आप सब भी किया करो। आज हम एक लोग मिले थे है ना रिजा, के बच्चे का भी नाम रेहान था, तो उनकी वो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप पहचान जाओगे। तो वो कह रही थी कि सबा आपको देख के हम वॉक पे निकले हैं, जब हम फोटो क्लिक कर रहे थे ना वहाँ पे वो निकली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आपसे मोटिवेशन मिलती है, और किसी को कोई अच्छी चीज़ की मोटिवेशन अगर हमसे मिलती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आप सभी वॉक किया करो, अपने घर में भी सबको कराया करो, भले ही थोड़ी देर। रेहान कह रहा है मुझे शूट कर लो, मैं बैठ के पानी पी रहा हूँ। तो सब बोलिए कि रेहान अच्छा बच्चा है। 3 सांस में भी तो पियो, आधा गिलास नहीं आता। अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं, और आज हम क्या करने वाले हैं? मूवी, पॉपकॉर्न पार्टी, साथ में मूवी। तो फ्रेंड्स नई टीवी आने की खुशी में ये लोग मुझे कब से कह रहे थे कि शाहरुख ऐसे मूवी नाइट रखो, कुछ रखो, कल संडे है, इनकी छुट्टी भी है, मेरा भी काम काफी खत्म हो गया, हम सब रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो रेहान आज हम दोनों को पॉपकॉर्न बना के देगा, तो ये लोग ने थोड़ी सी तैयारियां की है, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। रेहान पक्का तुम्हें बनाना आता है ना? कुकर ऑन किया? नहीं। जला भी देते हो? लाइटिंग की जला दी थी। तीनों बना दूं? और अच्छा तुम क्या एक महीने पहले लाके मैं भूल गई थी, तो अभी अचानक से याद आया मुझे। फ्रूटी बदल आए हो? 6 फ्रूटी है ना, तो तब तो हमारी हो गई। भी आती है गैस जलाना? गैस जलाना आती है। बाहर यहाँ तो मैं इस चीज के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। 4 फ्रूटी के दो तुम्हारी, एक मेरे साथ और बाकी की दो अम्मा को भी दे देंगे ना, अम्मा भी तो रात में जग जाती है। अम्मा की बची एक और, वो भी मेरी। नहीं
ये पूरे यही खा लेगी देखे। अरे ऐसा नहीं खराब है, कल ही मैंने इसको रात में 2 बजे शोरमा ऑर्डर किया था। कह रहा है शाहरुख जब इतनी पार्टी हो रही है तो स्पाइसी वाला शोरमा भी ऑर्डर कर दो। मुझे ऐसे धक्के मार के बोल रहा है नहीं 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 बस इतना बहुत है। यहाँ से चुपके चुपके रात में किसने पार्टी की है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे बचपन के तुम याद आ गए बहुत। बचपन में ही हो, मैं भी तो छोटा था ना इससे पहले भोपाल में। हमें लग रहा है कि पॉपकॉर्न जो है वो बन रही है। लड़की है क्या है ये? भोपाल में हम लोग बोलते थे फुल्ली, फुल्ली बन रही है क्या? एक मिनट देखो, अगर मस्ती वाले मोड़ पर अरे चलो पॉपकॉर्न खरीदते हैं चलो। मैं तो हमेशा लड़के ही बनाती हूँ। और लड़कियाँ बोलती है अरे चलो पॉपकॉर्न भी खरीदती हैं। एक ही बात होती है। पॉपकॉर्न बन रहा है क्या है? पॉपकॉर्न बन रहा है, पॉपकॉर्न बन रही है। जिंदगी भर पॉपकॉर्न खरीदी है हमने। देखो यहाँ पे हमारा टेबल सजा हुआ है, माहौल सेट है फ्रेंड्स। बन रहे बन रहे बन। मुझे लग रहा है लड़का ही है। क्यों? क्योंकि मैं उचकते हैं, मैं कभी उचकती हूँ नहीं बोलती हूँ। मेरे लिए लड़का है, मेरे लिए लड़की है। हाँ ध्यान दे रही है, बॉस लड़का है मेरा। और पूछ नहीं लड़की है अभी, और लोगों से पूछते हैं, पूछ लो फ्रेंड से। अरे ये जली तो नहीं? नहीं अभी ऊपर के तो अच्छे लग रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स फाइनली हम अपनी न्यू वाला टीवी ऑन करने जा रहे हैं और हमें देखना है कुछ यूट्यूब से, तो हम फोन से कनेक्ट करेंगे भाभी वाला। हाँ ये अभी हमारा फोन हमारे टीवी से कनेक्ट हो चुका है। क्या GLF कौन सी देखनी थी? इसमें टाइम ट्रेवल था। ट्रेवल यूट्यूब पे नहीं होगी, हमें नेटफ्लिक्स लेना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है। अरे उसका रिचार्ज नहीं है हमारे पास अभी। अमेजोन और नेटफ्लिक्स तो है नहीं, उसके लिए हम जो भी रिचार्ज है वो कर लेंगे। नहीं भी होगा तो ठीक है, अमेजोन प्राइम वीडियो का कर लेंगे। हाँ वो है। तो अभी हमें यूट्यूब पे बड़ी मुश्किल में ढूंढने के बाद मिली है चौक एंड डस्टर, जो की बच्चों टाइप फिल्म दिख रही है, टीचर्स के ऊपर है तो इनके लिए अच्छी है। तो अभी हम वो फिल्म देखेंगे, खाएंगे। और फ्रेंड्स हम लोग नई टीवी के लिए इसलिए ज्यादा खुश है क्योंकि इस पे फोन कनेक्ट हो सकता है, YouTube चल सकता है। हमारी पहले वाली टीवी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, तो नई टीवी आने की बहुत खुशी है। सीरियस की खुशी में आज हम लोग पार्टी भी कर रहे हैं। रेहान किचन की लाइट तो किचन की भी लाइट भाई तो पूरा अंधेरा चाहिए तब अच्छा लगता है, डर नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी ये भी बंद करो। तो बहुत कम फिल्म देखने गए हैं, मुझे इतना ज्यादा शौक भी नहीं और हमारी फैमिली में ज्यादा कोई शौक नहीं है, लेकिन आज हम घर पे प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे भी थिएटर बंद है, पता नहीं कब खुलने मारा 24 तो ओपन। हाँ तो अभी नहीं जा रहे, अभी घर में थिएटर आ गया ना बस ठीक है। आपका सीट नंबर कौन सा है? 54। तुम्हारा? 55। इंटरवल में कुछ चाहिए तो आ जाना लेने, हमारी शॉप बाहर है। ठीक है। बस आप लोग चटोरे हो काफी, कुछ घर से ही लेके आए हो। कभी कभी बच्चों के साथ मिलके बच्चा बन के बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। रिजा रेहान खुश है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अल्लाह।